तो आपका सबसे पहला न्यू ईयर का ट्वीट जो प्रेसिडेंट बाइडेन का आया था कि लेट्स मेक दिस ईयर ऑफ यू नो मेक इन यूएसए एंड लेट्स कंज्यूम दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जो सुन के भी हंसी आती है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन जो होता है वो उसको एस्टैब्लिश करने में वेस्ट को ये पूरा डिकेड जाएगा टिल 2030, राइट। तो ये तो जो है डीकपलिंग वाला, जिसमें यूएस इज लुकिंग टू शिफ्ट सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन मेक्सिको एंड कैनेडा। और अभी मैं देख रहा था मैक्सिकन लीडरशिप से जो कमेंट्स आ रही है यूएस के ऊपर, वेरी हार्श एंड ब्रूटल कमेंट्स, एंड ही इज ऑल्सो टॉकिंग द सेम थिंग ऑन द कोलोनियलिज्म माइंडसेट ऑफ द यूएस एंड द वेस्टर्न लीडरशिप, कि हम रूल करेंगे, हम रिजीम चेंज करवाएंगे, हम केओस करवाएंगे आपके इंटरनल कंट्रीज में। तो आप देखते हैं कि सिंस एक जो पूरा यूएस का पीसफुल ग्रोथ रहा उसके पीछे ये था कि दोनों नेबर्स जो थे कनाडा और मेक्सिको, इनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, इनका ज्यादा क्लैश नहीं हुआ यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी के साथ। बट अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट में शिफ्ट होना शुरू होएगा तो ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन शुरू होने वाला है ये सारे स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज में, इंक्लूडिंग द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और सिर्फ ये नहीं होगा और पोल्यूशन भी बढ़ेगा, ठीक। और क्योंकि ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप ही ऐसा होता है जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, समटाइम्स इवन बियॉन्ड द ह्यूमन ह्यूमन लिमिट्स, राइट। विच इज वाई वी से द चाइनीज प्रोडक्ट्स आर सो चीप, बिकॉज इट्स पॉसिबल टू अंडर अ कम्युनिस्ट लीडरशिप टू एक्सप्लॉइट देम मोर। तो द चाइनीज इकोनॉमी का जो ये डीकपलिंग है उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट आप देखेंगे यूरोप में, क्योंकि यूरोप इज द ओनली ज्योग्राफी विच लुक्स एट चाइना एज द नेक्स्ट सुपर पावर, नॉट द यूएस, राइट। और एंड द बेसिस ऑफ द थॉट प्रोसेस इज के क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट है तो उसके बेस पे यूरोप का ये पूरा थॉट प्रोसेस बना है। तो आप देखेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत लिंक्ड है चाइनीज इकोनॉमी के साथ, सप्लाईज पे तो पूरा वेस्ट डिपेंडेंट है डेली सप्लाईज पे ऑन द चाइनीज इकोनॉमी। बट इससे पहले हमें ये समझना है ज्यादा कि ये पूरा हुआ कैसे, बिकॉज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसको पूरा बिल्ड करना, क्योंकि मेरा ये मानना है बिकॉज आई डू जियोपॉलिटिकल रीडिंग, तो यूएस डीप स्टेट, यूके गवर्नमेंट, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड पाकिस्तान आर्मी, दिस वॉज द ओनली एक्चुअल अलायंस विच वॉज वर्किंग इन द वर्ल्ड। ये एक ही अलायंस था जो वर्क कर रहा था, चाहे कितनी भी आप बॉडीज बना लो, नाटो बना लो, क्वाड बना लो, कुछ भी बना लो, राइट। दीज वर द ओनली फोर मेन पार्टनर्स हु वर इन अलायंस। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को जब 1979 में डेंग शियाओपिंग जब प्रेसिडेंट कार्टर से मिलने आए यूनाइटेड स्टेट्स, तो डेंग शियाओपिंग वो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देख के बहुत ही एडमायरिंग काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन हिज माइंड, और वो सोचने लगे कि मुझे भी अपनी चाइनीज इकोनॉमी को इस तरह से ओपन करना है। तो प्रेसिडेंट कार्टर से उनका जो भी नेगोशिएशन हुआ उसके नतीजे में हमने देखा कि 1979 जनवरी की वो मीटिंग के बाद जब डेंग शियाओपिंग वापस चाइना आए तो एक स्ट्रिक्ट सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इम्पोज कर दी गई चाइनीज इकोनॉमी में। तो जहां तक मुझे समझ में आता है डील ये थी कि हम आपको टेक्नोलॉजी पास करेंगे लेकिन उसके एवज में आप अपना खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन बिल्कुल कम कर देंगे, विच इज वाई सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लाई गई। और सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद चाइनीज को जिस तरह से एक लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के लिए पूरा उस थीम पे, पूरी उनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल पे इकोनॉमी को बेस किया गया, खुद के बर्थ रेट्स काट के, खुद के ह्यूमन रिसोर्स को प्योर लेबर यूनिट ऑफ लेबर फॉर्मेट में बिठा के वर्ल्ड को सप्लाई करने का मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी जायंट जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में बनाया है। अब आप देख रहे हैं इन 2023 शी जिनपिंग, तो उससे पहले हम देखेंगे उनके दो टर्म हो चुके हैं शी जिनपिंग के, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में ये सिस्टम थी
फॉर यू नो कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटिव लीडरशिप, के एक प्रेसिडेंट को दो ही टर्म मिलेंगे. सो देर वॉज अ लिमिट ऑफ टू टर्म्स विद अ प्रेसिडेंट विच इज सिलेक्टेड. तो शी जिनपिंग ने ये दोनों टर्म में उनका पूरा टसल चला किसके साथ, उन्हीं के प्रेमियर ली के चोंग के साथ. नाउ ली के चोंग इन 2012 वॉज इन कॉम्पिटिशन विद शी जिनपिंग फॉर बिकमिंग द प्रेजिडेंट. तो वो दोनों को कंसिडर किया जा रहा था उस पॉइंट तक जब तक शी जिनपिंग को सिलेक्ट नहीं किया गया था एज द प्रेजिडेंट. तो दोनों के बीच कॉम्पिटिशन था, और ली के चोंग का जो पूरा एक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का इनका पूरा एक बैकग्राउंड है, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी का, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल जो है ली केचांग का रहा था. लेकिन दो, आपने देखा कि पूरे दो टर्म में शी जिनपिंग उनके साथ कंटिन्यूअसली क्लैश करते रहे बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक मॉडल जो चाइना को फॉलो करना चाहिए. तो उसमें हमने देखा कि शी जिनपिंग बोलते रहे कि वी वांट टू फोकस ऑन, जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं शी जिनपिंग, इंटरनल साइकिल, मतलब जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंटरनली कंज्यूम करो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल से दूर जाओ. तो शी जिनपिंग का ये फोकस था. जबकि आप देखें ली के चोंग और जो दूसरे एक पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे उस वांग, ये दोनों जो थे वो यूएस डीप स्टेट के साथ उनका इतना स्ट्रॉन्ग टाइज था फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड्स ऑफ यू नो चाइनीज लीडरशिप, जो हु जिनटाओ और जियांग ज़ेमिन वाला जो एरा था, तभी से एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक फैक्शन का पूरा एक रिलेशनशिप सेट हो गया था विद द यूएस डीप स्टेट, विच बिलीव्स इन दिस एक्सपोर्ट मॉडल फॉर चाइना एंड कंजम्पशन मॉडल फॉर द वेस्ट. ठीक, तो ये पूरे दो टर्म में क्लैश चला ली के चोंग और शी जिनपिंग के बीच. शी जिनपिंग बोलते रहे इंटरनल साइकिल, इंटरनल साइकिल, डोमेस्टिक कंजम्पशन, और ली के चोंग बोलते रहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ इकोनॉमी. तो ये दो क्लैश चलते 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 हमने देखा नवंबर 22 में, जब नेशनल कांग्रेस हुई और शी जिनपिंग ने अपने आप को जो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ तो साइन कर ही दिया था ऑफिशियली, उसके अलावा 2018 में उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की लीडरशिप भी ले ली, तो वो भी उनके कंट्रोल में आ चुके थे तब तक. तो 22 नवंबर 2022 नेशनल कांग्रेस, जो थर्ड नेशनल कांग्रेस थी जहां पे ऑफिशियली शी जिनपिंग को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि दो टर्म ही होती है एज पर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो रूल थी ऑफ कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप, तो उसको तोड़ते हुए शी जिनपिंग ना सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, बट उन्होंने ली के चोंग और वांग दोनों को जो है पॉलिट ब्यूरो से डिमोट कर दिया. तो अब जो हमारे पास चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिट ब्यूरो है वो पूरा ही एंटी एक्सपोर्ट लीडर से भरा पड़ा है. और एक तरह से अगर आप देखेंगे शी जिनपिंग की खुद की पर्सनल लाइफ हिस्ट्री, तो उन्होंने माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन में बहुत कुछ सहा है पर्सनली. ठीक है, और इसके चलते हमने ये देखा कि शी जिनपिंग को समझ आ रही है एक चीज कि यूएस डॉलर का जो एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल है उसके चलते 4 डिकेड्स तक चाइनीज इकोनॉमी ने पूरे वर्ल्ड को सर्व किया, उसके बावजूद खाली 3 ट्रिलियन रिजर्व्स में बना पाए, $3 ट्रिलियन, ओनली $3 ट्रिलियन आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ हार्ड वर्क. ठीक, और उन्होंने देखा कि यूएस इकोनॉमी जो है उन्होंने तो पिछले 3 साल में सिर्फ कोविड चेक्स और सोशलिस्ट फ्रीबीज में $13 ट्रिलियन छाप करके अमेरिकन को फ्री में बांट दिए एज सोशलिस्ट बेनिफिट्स. तो जब ये डाइकोटोमी शी जिनपिंग ने देखी तो उनको समझ में आ रहा है कि डी डॉलराइजेशन मेक्स सेंस, राइट? क्योंकि डी डॉलराइजेशन के क्या हो जाएगा, जो करेंसीज हो जाएगी वो पेग्ड फॉर्मूला में चली जाएगी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, एंटरप्राइजिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारे सेक्टर्स जो आर्टिफिशियली सप्रेस कर दिए गए थे इन वैल्यूएशंस टू कीप द यूएस डॉलर गोइंग, ये सारे अपने करेक्ट वैल्यूएशंस पे आ जाएंगे. तो एक पेग्ड करेंसी वर्ल्ड में जहां हम सब जा रहे हैं वहां पे एशिया को इतना एक्सपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, और अगर एशिया करना भी चाहेगा
तो वेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा अगर सारी करेंसी पेग हो जाती है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज के रेशियो में इतना इतना डाइकोटॉमी आ जाएगा कि वेस्ट विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड टू बाई फ्रॉम एशिया इवन इफ एशिया वॉन्ट्स टू सेल। ठीक, तो ये पूरा ये डीकपलिंग का जो पूरा फोकस है वो चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर इसीलिए है क्योंकि दे आर द मेन सप्लायर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कल को अगर वो सब कुछ हटा लेते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज टू इवन सर्वाइव, राइट? क्योंकि उनकी सारी बेसिक नीड्स की सप्लाई चाइना करता है बेस्ड ऑन द टॉर्चर ऑफ द चाइनीज लेबर जो सीसीपी ने 3 डिकेड्स 3 4 डिकेड्स तक चला है। इट कैनॉट कंटिन्यू।